नमस्कार साथियों, मैं सतेंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए रोज फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक लेकर आते हैं। सॉरी, टॉपिक वही चलता है, उसी से आगे रोज एक नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। हर एक वीडियो को आप देखना मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को अगर निकालना चाहते हो तो फिजिक्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। फिजिक्स का रोल कतई भुला नहीं सकते आप, क्योंकि फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एक साइंस ग्रुप के जो भी आप एग्जाम निकालना चाहते हो उसमें फिजिक्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आज हम आपको बात कर रहे थे, जो टॉपिक हम चला रहे थे जिसका नाम था मोशन, उस टॉपिक की बात कर रहे थे। मोशन की जो हम बात कर रहे थे, तो साथियों गति के टॉपिक को वो पढ़ाते पढ़ाते हम पहुंच गए थे दूरी तथा विस्थापन। दूरी और विस्थापन को हमने आपके सामने क्लियर कर रखा था, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, और दूरी और विस्थापन में अंतर तक। इट मीन्स दूरी और विस्थापन के बीच कुछ भी बचा नहीं था जो आपके समझ में ना आया हो, एक एक चीज़ आपको समझाई थी हमने। तो चलिए साथियों, आज हम क्या काम करेंगे उससे आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, जो जहाँ चल रहे थे उससे ठीक आगे की वीडियो प्रोवाइड कराते जाते हैं। उससे पहले साथियों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इससे होगा कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकेंगी। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं, और हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, और लाइक कर दिया करें, और कमेंट भी किया करें। जितनी ज़्यादा कमेंट मिलेंगी, जितनी ज़्यादा लाइक मिलती हैं, उतनी ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगली वीडियो इससे भी अच्छी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए साथियों, आज बात कर लेते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्पीड के बारे में, स्पीड इट मीन्स चाल के बारे में, चाल के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपने दूरी और विस्थापन को गहनता से समझा था, दूरी और विस्थापन का एक एक टॉपिक आपने समझा हुआ था, तो आज चाल की बात कर लेते हैं। चाल को आसानी से समझना है, किस प्रकार समझोगे चाल को, तो ध्यान से समझिएगा, चाल होती क्या है। तो चाल होती क्या है, चाल का मतलब हुआ एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी। और ये दूरी किसके द्वारा चली गई होनी चाहिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसके द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। साथियों क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल का मतलब स्पीड कहलाती है, क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, देखना मत भूलिएगा, स्पीड कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल किसको कहा जाता है, एकांक समय में चली गई दूरी। उदाहरण के तौर पर हम आपको बात करने के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार आप समझ सकते हो, तो देखिए कैसे समझाएं आपको। तो हम एक नया तरीका लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्या वो तरीका है, तो ध्यान से समझना। एक कोई गतिशील वस्तु थी, यहाँ से वो चलना शुरू करती है, हमने मान लिया एक मीटर यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से ए से चलना शुरू किया, बी पर पहुँची एक मीटर, यहाँ दो मीटर, ऐसा करते करते धीरे धीरे हमने देखा कि वो यहाँ से लेकर जेड पर पहुँच गई, कहाँ जाकर पहुँच गई, जेड पर पहुँच गई। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिएगा कि उसने एस मीटर की डिस्टेंस तय कर ली, या मान लीजिएगा डी मीटर की डिस्टेंस तय कर ली। कितनी डिस्टेंस तय की, डी मीटर की दूरी इसने कवर कर ली है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने डी मीटर की दूरी तय करी है, और मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसके पास कुछ न इसके लिए कुछ समय लगा होगा, ऐसे तो पहुँच नहीं गई होगी, समय तो चलता ही रहता है, समय तो रुकता नहीं है कभी। तो ए से लेकर जेड तक पहुँचने में इसने जो दूरी कवर की है, जो दूरी तय की है, वो दूरी डी मीटर की तय की है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे कितना समय लगा है, तो हम बता दे रहे हैं कि टी समय लगा है। तो यहीं से देखिए कि टी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमने मान लिया कि डी मीटर है। तो क्वेश्चन ये कहता है, ये जो परिभाषा है ये कहती है स्पीड की, कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो टी समय में चली गई दूरी मान ली कि डी मीटर है, तो एकांक समय में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, तो डी बटे टी, और इस डी बटे टी को ही नाम मिल जाता है स्पीड। क्या नाम मिल जाता है साथियों,
स्पीड। तो यहीं से हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से हमको फॉर्मूला मिल गया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात हिंदी भाषा में कहें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ तक की बातें साथियों क्लियर हुई होंगी स्पीड के बारे में। एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है वो दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हमने ऐसे समझाया कि एक कोई गतिशील वस्तु थी, वो चलना प्रारंभ करती थी। और कहाँ से चलना प्रारंभ किया उसने, उसने साथियों ए से चलना प्रारंभ किया है। कहाँ से चलना प्रारंभ किया, ए से चलना प्रारंभ किया है, और चलते हुए जेड पर पहुँच गई। तो हमने क्या काम किया, इसके द्वारा तय की गई दूरी को माप किया। दूरी का माप किया तो हमको पता चला कि इसने मान लीजिएगा डी मीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की, डी मीटर की दूरी तय की। अब हमने क्या देखा कि ये जो डी मीटर की दूरी है कितने समय में तय की। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था हमने मान लिया कि टी समय में इसने डी मीटर की दूरी तय की है। तो देखिए टी समय में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, डी मीटर। तो एक समय में तय की गई एकांक समय, एकांक समय उस समय को बोलते हैं अर्थात जो समय एक यूनिट में हो, चाहे एक सेकंड हो, चाहे एक मिनट हो, चाहे एक घंटे की बात करता हूँ। तो जो समय एक यूनिट में हो जाए उस समय को बोलते हैं एक सेकंड, एकांक समय बोलते हैं। तो एकांक समय में चली गई जो दूरी हो गई वो क्या हो जाएगी, डी अपॉन टी। टी समय में डी, तो एकांक समय में डी अपॉन टी। और इस डी अपॉन टी को ही हमने नाम दे रखा है कि ये हमारी स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से हमको मिल गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस प्रकार से इसे हम चाल कहते हैं। तो चाल का आपका टॉपिक क्लियर हुआ है। अब बात कर लेते हैं चाल के मात्रक की, बात कर लेते हैं चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं, इन चीज़ों की बात कर लेते हैं, और ये बात कर लेते हैं कि ये कैसी राशि है। यहाँ पर बहुत कुछ सीखना है साथियों आपको, ये कैसी राशि है। तो ध्यान से समझिए कि चाल के फॉर्मूले से ही पता चलता है कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या फॉर्मूला होता है साथियों, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, अर्थात चाल किस पर डिपेंड करती है, चाल दूरी पर डिपेंड करती है। तो दूरी कैसी राशि है, दूरी की कोई डायरेक्शन होती है, दूरी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अदिश राशि है, तो चाल भी कैसी राशि हो गई, तो चाल भी अदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई साथियों, ये चाल भी अदिश राशि हो गई। चाल अदिश राशि होती है, तो ध्यान रखेंगे चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। मात्रक की बात कर लेते हैं, चाल का मात्रक क्या होने वाला है, चाल का मात्रक, मात्रक की बात कर लेते हैं। तो देखिए चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, जो चाल का मात्रक होगा, ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो ऐसा ही यूनिट में ये मात्रक लिखने, तो ये जो मात्रक है इसका निकल के आएगा, दूरी को ऐसा ही यूनिट में मीटर से मापते हैं, मीटर अपॉन, और समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया है ऐसा ही यूनिट में, मीटर प्रति सेकेंड। क्या मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए साथियों ऐसा ही यूनिट में चाल का जो मात्रक निकल के आया है वो मीटर प्रति सेकेंड निकल के आया। क्या निकल के आया, मीटर प्रति सेकेंड निकल के आया है। अब देखिए इसका विमीय सूत्र क्या बनने वाला है, ये भी ध्यान से समझते हुए चलिए। विमीय सूत्र ध्यान से समझना है, विमीय सूत्र कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने आपको बता दिया है कि जो भी आपको मात्रक दिया जाए, उन मात्रक, मात्रक क्या काम करता है, मात्रक जो होता है मूल राशियों को मापता है। किसको मापता है, मूल राशियों को मापता है। मूल राशियों के मात्रक दिए तो मात्रक को मूल राशियों में कन्वर्ट करो, फिर उन मूल राशियों को जिन संकेतों से दिखाते हैं उन संकेतों में कन्वर्ट कर दीजिएगा, वही उसका विमीय सूत्र होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए इसको हम कैसे करके दिखाते हैं। तो हमको पता है कि चाल का सूत्र क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर से किस मूल राशि को मापा जाता है, तो मीटर से लंबाई को मापा जाता है। लेंथ का यूनिट है, किसका यूनिट है साथियों, ये लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ को मापा जाता है, तो लेंथ को किससे प्रतीत करेंगे, एल से। किससे व्यक्त किया जाता है, एल से व्यक्त किया जाता है। और सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो हमको पता है कि सेकंड समय का मात्रक है। किसका मात्रक है, समय को। और समय अर्थात टाइम, टाइम को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से देखिए एल बटे टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बटे टी हो जाएगा। टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -1। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ विमीय सूत्र, और इस चीज़ को
एक बड़े कोष्टक में लिखना पड़ता है। किसमें लिखना पड़ता है? बड़े कोष्टक में लिखना पड़ता है। तो अब जाकर इसका विमी सूत्र निकल आया। तो आगे से जो विमी सूत्र आप निकालने के लिए जाओगे वो विमी सूत्र साथियों इसी प्रकार निकलेंगे। मात्रकों को कन्वर्ट करिए मूल राशियों में, फिर मूल राशियों में उनका प्रतीक क्या है उस प्रतीक में रख दीजिएगा और इनको एक लाइन में लिखना है और साथ ही साथ बड़ा कोष्टक लगा देना है। इस प्रकार का विमी सूत्र आपको निकालना होता है, ऐसे विमी सूत्र निकाल के। तो चलिए साथियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट करना चाहते हो तो नोट भी करते चलिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो साथ में। तो आज हमने बात की है चाल की। किसकी बात की है? चाल की। चलो, चाल वाला टॉपिक आपका फिनिश हुआ है, चाल वाला टॉपिक आपका फिनिश हुआ है। अब बात कर लेते हैं वेग की। चाल और वेग कुछ तो अंदर होगा, तब तो ये दिया गया है। तो चलिए अब वेग की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं साथियों? वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी अर्थात वेग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वेग की। वेग क्या होता है इसको समझना है, ध्यान से समझना। वेग की परिभाषा भी साथियों उसी प्रकार जुड़ी हुई है जैसे स्पीड की परिभाषा जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार चाल को आपने डिफाइन किया था ठीक उसी प्रकार वेग को भी डिफाइन करना होगा। कैसे डिफाइन करना होगा वेग को, तो ध्यान से समझिए साथियों, वेग को किस प्रकार डिफाइन करें। तो देखो, वेग की परिभाषा हम लिख रहे हैं, उसमें क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। लेकिन दूरी शब्द हटाकर अगर वहाँ विस्थापन जोड़ दिया जाए, अर्थात एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन, तो वो क्या कहलाता है? जो विस्थापन होता है एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा जो तय किया जाता है वो विस्थापन कहलाता है वेग। क्या कहलाता है? वेग। तो इसकी परिभाषा बन गई है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो ध्यान से समझिए, विस्थापन वेग कहलाता है। इट मीन्स जो दूरी, वो चाल जो थी वो दूरी पर डिपेंड करती थी। चाल कभी धनात्मक, चाल हमेशा धनात्मक ही, वो सॉरी दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। पहले हमने टॉपिक में पढ़ा रखा है आपको, दूरी धनात्मक होती है तो चाल भी हमेशा धनात्मक ही होती है। और ध्यान से समझेंगे, और जो वेग होता है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है। और विस्थापन कैसा हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसके लिए वेग भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक मीन्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, अर्थात और कैसा हो सकता है? वेग शून्य भी हो सकता है। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो यहीं से वेग का सूत्र आपको मिल जाएगा कि वेग बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय चाल होता है, तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय ये वेग बन गया। अब विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही होती है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही होती है। तो विस्थापन कैसी राशि होगी, किस प्रकार की राशि होगी साथियों? तो आंसर है ये सदिश राशि, सॉरी वेग किस कैसी राशि है? ये सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक क्या हो जाना है? तो इसका जो मात्रक हो जाना है वेग का, तो विस्थापन भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही होती है, इसको भी मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में। तो मीटर बटे और समय कह रहा होता है सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात ये कह लीजिएगा जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है। चाल का जो मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है। तो विमी सूत्र भी दोनों के एक समान रहने वाले हैं। तो विमी सूत्र भी क्या हो जाएगा इसका? वही हो जाएगा LT^-1। बात कुछ समझ में आई या नहीं है? तो इस प्रकार से दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई हैं यहाँ पर। एक तो चाल कंप्लीट हो गई और दूसरी जो चीज़ कंप्लीट हुई है उसका नाम है वेग। चलिए साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं त्वरण पर। किस पर बात कर लेते हैं? एसीलरेशन क्या होता है वो आपको समझना है, ध्यान से समझना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। त्वरण, त्वरण बहुत महत्वपूर्ण है। एसीलरेशन, त्वरण,
मशीन लर्निंग। त्वरण की बात कर लेते, त्वरण क्या होता है ध्यान से समझना। त्वरण की एक छोटी सी परिभाषा है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर होती है उस दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु की वेग परिवर्तन की दर, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर, किसकी दर ध्यान से समझेंगे, वेग परिवर्तन की दर, किसकी दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है, और इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से प्रदर्शित किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है साथियों? ए से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी आपको समझ में आएगा, उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। वेग परिवर्तन की दर, किसकी दर, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने मान लिया कि ए कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था में, ध्यान से समझना साथियों, ए कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था में, ये क्या काम करती है? गति करती है। ये ए क्या करती है? गति करती है। किस वेग से गति करती है? तो इसका जो वेग है, हमने मान लिया कि ये 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वेग गति करती है, 4 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वेग करती है। तो वेग इसका जो पहले वेग मान लीजिएगा कि एक वस्तु थी, ये गति कर रही थी, लगातार मोशन की स्टेट में थी, तो ये इसका जो वेग है वो मापा गया, कितना वेग निकल के आया? 4 मीटर प्रति सेकंड निकल के आया। फिर उसके बाद देखिए साथियों, 10 सेकंड के बाद देखा गया, 10 सेकंड के बाद देखा गया, 10 सेकंड के बाद देखा गया कि इसका जो वेग है वो वेग 4 से बढ़कर कितना हो गया साथियों? 4 से बढ़कर 24 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका जो वेग है 4 से बढ़कर 24 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अर्थात वेग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ है। पहले इसका वेग क्या था? 4 मीटर प्रति सेकंड। 10 सेकंड के बाद इस पर लगातार फोर्स अप्लाई किया जाता है। देखो, वेग परिवर्तन करने का जो मुख्य एजेंट है वो बल है। किसी भी वस्तु में अगर जो लीनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं, सरल रेखी बात कर रहे हैं, सरल रेखी गति की बात करते हैं, उसमें अगर वेग परिवर्तन होगा तो वेग बल के द्वारा ही परिवर्तित होगा, भले ही कम करना पड़े, भले ही ज़्यादा करना पड़े। तो ये बात ध्यान रखना है। तो वेग पहले 4 मीटर प्रति सेकंड था, 10 सेकंड बाद वेग 24 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो एक बात तो तय है कि वेग में परिवर्तन हुआ है। तो वेग में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है, वेग में चेंजिंग आ गई है साथियों। तो वेग में परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ? 24 में से 4 को घटा दीजिएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन निकल के आया। कितना परिवर्तन निकल के आया? 20 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन निकल गया है। 20 मीटर प्रति सेकंड का जो परिवर्तन आया है वो इतना परिवर्तन हुआ, ये कितने समय में हुआ? तो अर्थात 10 सेकंड में हुआ है। कितने सेकंड में हुआ? 10 सेकंड में इतना वेग बदल गया। जब 10 सेकंड में इतना वेग बदल गया है तो साथियों देखो, एकांक समय में अर्थात 1 सेकंड में वेग कितना बदला होगा, और 1 सेकंड में वेग में जो चेंजिंग आती है उसी चेंजिंग को बोला जाता है कि ये वेग परिवर्तन की दर है। क्या है? वेग परिवर्तन की दर। 10 सेकंड में 20 बदल गया तो 1 सेकंड में कितना बदला होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हुई होगी। 1 सेकंड में कितना बदला गया होगा? 2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हुई होगी। तो यही क्या कहलाएगा? वेग परिवर्तन की दर बन जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन, और वेग परिवर्तन में किससे भाग दे दें हम? समय से भाग दे दें। किससे भाग दे दें? समय से भाग दे दें। तो ये क्या हो गई? वेग परिवर्तन की दर हो गई। तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहने लगे? त्वरण कहने लगे साथियों। क्या कहने लगे? त्वरण कहने लगे। चलिए साथियों, अब क्या काम करते हैं? संकेतों के रूप में त्वरण को लिख लें। कैसे लिखना शुरू करोगे? माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। हमने मान लिया कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u है, तथा t समय के पश्चात
टी समय के पश्चात वेग उवी हो जाता है। कितना हो जाता है? उवी हो जाता है। टी समय के पश्चात देखा गया कि वेग कितना हो गया साथियों, उवी हो गया। कितना हो गया? तो देखो पहले वेग कितना था, अभी हम बात करके गए उदाहरण में कि पहले चार था, चार से 24 हो गया, 20 की चेंजिंग आई थी। अब यहाँ पर देखिएगा साथी, मान लीजिए हमने के पहले जो वेग है वो यू है, हम मान सकते हैं कि प्रारंभिक वेग को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यू है पहले जो वेग है, और टी समय के बाद उसी वस्तु का वेग देखा गया कि वेग जो है वो उवी हो जाता है। कितना हो जाता है? उवी हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन आई है, वेग में परिवर्तन हुआ, हमने कैसे निकाला था? तो हमने निकाला था 24 माइनस 20 अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग किया था या नहीं किया था, तो इतना वेग हो जाता है। तो देखिए साथियों वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन जो होगा वो कितना होगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है? उवी है। पहले के प्रारंभिक वेग कितना है? यू है। उवी माइनस यू, ये क्या हो गया साथियों? ये वेग में परिवर्तन हो गया, वेग में ये परिवर्तन हो गया। तो वेग परिवर्तन की दर के लिए क्या काम करें? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर निकालनी है। तो जितने समय में वेग परिवर्तित हुआ है उस समय से भाग दे दें परिवर्तन में। तो परिवर्तन था उवी माइनस यू का, और भाग किससे दे दें? समय से। तो उवी माइनस यू, वी माइनस यू अपॉन टी, ये वेग परिवर्तन की दर बन गई, और ये वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसे हम ए से प्रदर्शित करने लगे, क्या करने लगे? ए से प्रदर्शित करने लगे। तो अर्थात हमको सूत्र मिल गया कि ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी क्या है? वेग परिवर्तन की दर, और ये वेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? त्वरण के बराबर होती है। तो चलिए साथियों, वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। तो ये जो सूत्र है ये त्वरण को निकालने का है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ये त्वरण को निकालने का फॉर्मूला बन गया है। जब ये त्वरण को निकालने का फॉर्मूला बन गया है, तो चलिए साथियों अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की और विमी सूत्र की बात कर लेते हैं, बस इसके बाद इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। उसके बाद जो गति के समीकरण हैं, इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए अब बात कर लेते हैं, तो त्वरण ए बराबर क्या हो गया? वी माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहने लगे हम? त्वरण कहने लगे। तो इसका मात्रक निकालना है, ए का मात्रक निकालना है। क्या निकालना है साथियों? ए का मात्रक निकालना है। ए का मात्रक क्या आ जाएगा? वी माइनस यू का मात्रक, वी माइनस यू का मात्रक अपॉन टी का मात्रक। टी क्या है? टाइम है। टी यहाँ पर टाइम है। वी माइनस यू का मात्रक अपॉन टी का मात्रक। तो देखिए साथियों, वी माइनस यू वेग परिवर्तन है। तो वेग परिवर्तन मीन्स वेग, वेग परिवर्तन मीन्स वेग किसी चीज़ में। मान लीजिएगा एक थैला है, उस थैले में आलू है। पहले हमने मान लिया कि थैले में जो आलू हैं वो कितने हैं? पांच आलू हैं। उसके बाद हमने कुछ आलू और डाल दिए, तो आलुओं की संख्या उस थैले में 15 हो गई। तो देखो उसमें परिवर्तन हुआ है, आलुओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन हुआ है किस चीज़ का वो परिवर्तन है? तो वो परिवर्तन के बाद जो परिवर्तन निकल के आएगा वो 10 आलुओं का परिवर्तन है। परिवर्तन भी यह है क्या? आलू ही तो है। परिवर्तन भी क्या है? आलू ही तो है। तो ध्यान से समझना, ये वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन भी क्या है? तो वह तो वो वेग ही है, वेग परिवर्तन भी क्या है? वेग ही है। तो ये वी माइनस यू मीन्स वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक हम लोगों ने देख रखा है कि मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है अपॉन, और टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। अपॉन में बन मान लो, पहली और चौथी का गुणा कर दो। तो देखिए साथियों, मीटर बटे सेकेंड का गुणा सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार साथियों देखिए, ये इसका मात्रक निकल के आया। क्या निकल के आया साथियों? मात्रक निकल के आया। अब विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। विमी सूत्र क्या है? विमी सूत्र की बात कर लेते हैं। हमने कहा था विमी सूत्र जो मात्रक होता है उस मात्रक से कन्वर्ट किया करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? मीटर से क्या मापा जाता है? आंसर है, एक भौतिक राशि है जिसका नाम है लेंथ, लंबाई। लंबाई को मापा जाता है मीटर से। तो मीटर की जगह पर क्या आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी। और लेंथ को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे? एल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? एल के द्वारा। अपॉन में देखिए, अपॉन का निशान लगा लिया।
अपॉन में क्या था सेकंड, सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आंसर है सेकंड एक भौतिक राशि होती है समय, समय का मात्रक है और जिस समय को संकेत में टी से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल टी से, तो एल बटे टी। अब यहाँ देखिए स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हमने भी स्क्वायर चढ़ा दिया, अब देखिए क्या काम करना है, एक लाइन में लिखना है बटा वाला निशान खत्म करना, तो ये टी की घाते ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी एल टी की पावर माइनस दो, और एक बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिएगा, ये क्या हो गया इसका बिमी सूत्र हो गया। तो चलिए साथियों आज का टॉपिक बस यहीं रखते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, आगे जो टॉपिक लेकर आएंगे उसमें गति के समीकरण की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों समीकरणों को एक एक करके समझाएंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिएगा प्लीज़, वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, इसी प्रकार बने रहिए आप लोग घर पर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बायोलॉजी विद आरती यादव, इसी के साथ धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।